पता है एमडी कैट का स्टूडेंट फेल क्यों होता है? मैं भी आपको उसका सबूत दिखाता हूँ। बहुत सख्त अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय कोई रटे वाला उन्होंने कोई शॉर्टकट निकाला हुआ होता है और इवन लॉजिकल रीजन पे उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आप क्वेश्चन अपने सामने देखें और आप खुद देखें कि अब इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो कहाँ से आप लोगों का एमडी कैट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन जरा देखें, इस पर सिंपल क्या लिखा हुआ है कि इन द पास्ट कंज्यूमर्स वुड रेयरली वॉक इनटू एन आइसक्रीम स्टोर एंड ऑर्डर लो फैट आइसक्रीम, बट दैट इज नॉट द केस टुडे। An increasing health conscious combined with much bigger selection of tasty low fat foods in all categories has made low fat ice cream a very profitable item for the ice cream store owners. Simple Urdu mein kya likha hua hai bhai ki pehle pehle jo consumers hain wo jo hai wo ice cream store jo hai usme agar wo walk karte the to aisa nahi tha ki wo jo hai low fat ice cream mangwate the, wo kehte the bhai jo ice cream mein de do, lekin ab kya ho gaya hai, ab jo hai consciousness badh gayi hai health ki aur ऑल्सो क्या नाम है, क्योंकि लो फैट आइसक्रीम्स जो हैं वो टेस्टी भी होती हैं और अक्रॉस ऑल द फूड आइटम्स उसके अंदर जो है एक इनोवेशन भी आई है, तो इस वजह से लोगों की एक बड़ी पसंद बनती जा रही है। तो क्या मतलब कि पहले लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, इस वजह से पहले वो लो फैट आइसक्रीम नहीं लेते थे, अब वो लो फैट आइसक्रीम लेते हैं। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, अब नीचे अगर आप ऑप्शन देखें तो आप खुद देख लें कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा वाला होगा। स्टूडेंट ने बोला है कि भाई ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ें, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ अभी ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना बच्चा कहता है कि भाई ऑप्शन डी सही है। मैं कहता हूँ भाई क्यों ऑप्शन डी क्यों सही है? बच्चा कहता है कि आप देखें वो पहली लाइन में, आप देखें इन द पास्ट कंज्यूमर्स वुड रेयरली वॉक, वो देखें रेयरली को उसने सर्कल भी किया हुआ है, टॉप पर लिखा हुआ है रेयरली, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लो फैट आइसक्रीम इज अ मोर पॉपुलर देन अदर काइंड ऑफ आइसक्रीम। तो मतलब वर्ड्स ऑपोजिट्स, ठीक है, वर्ड ऑपोजिट, ऊपर लिखा हुआ है रेयरली, नीचे लिखा हुआ है मोर पॉपुलर, तो रेयरली का ऑपोजिट जो है मोर पॉपुलर है, तो मैंने इसलिए जो है डी कर दिया। सर डी क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत सीन हो गया, ऑप्शन तो कोई और सही है। मतलब सर पकड़ बैठ जाता है यार कि मतलब आई एम प्रीटी श्योर इसने तो मेरे लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस देखी, और अगर देखी भी है, अगर आपने ये वाला माइंडसेट अगर अपना रखा हुआ कि यार मैंने किसी तरह रटा मारना है और मेरे से ये हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। तमाम एम डी कैट के स्टूडेंट्स को, नियर पीरियड के स्टूडेंट्स को, नॉन नियर पीरियड स्टूडेंट्स को, सबको मैं बोल रहा हूँ कि यार ये अप्रोच छोड़ दो। इसका सीधा सा आंसर आपके सामने नजर आ रहा है, खुद पॉज करके जरा देखो अगर सॉल्व कर सकते हो, वरना इसका ऑप्शन सीधा सीधा सी है। ठीक है, जल्दी से जरा एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहते हैं, लो फैट आइसक्रीम प्रोड्यूसेस मोर रेवेन्यू द अदर लो फैट फूड्स, क्या कोई रेवेन्यू की बात ऊपर हुई हुई है, या ये बोला हुआ है कि लो फैट आइसक्रीम ज़्यादा एक कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू निकाल कर देती है, इस तरह की कोई बात ही लिखी हुई तो भी खत्म होगी बात। बी को देखते हैं, आइसक्रीम स्टोर ओनर्स वुड बी बेटर ऑफ कैरिंग ओनली लो फैट आइसक्रीम, भाई ऐसी कोई बात है कहीं पर अगर आपने लिखा हुआ है कि आइसक्रीम स्टोर वाला जो है वो जो फैट वाली आइसक्रीम है उसको छोड़ दे, सिर्फ लो फैट आइसक्रीम को रखे तो ज़्यादा फायदा है। कहीं पर भी आपकी पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई थी कि भाई लो फैट आइसक्रीम अब जो नॉर्मल आइसक्रीम है उससे ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये ज़रूर लिखा हुआ था, अगर आप देखो लो फैट आइसक्रीम इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल आइटम, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि मोर प्रॉफिटेबल देन द नॉर्मल आइसक्रीम। ठीक है, तो बी भी आपका गलत हो गया। सी क्या कहते हैं, आइसक्रीम स्टोर ओनर्स नो लॉन्गर थिंक दैट लो फैट आइसक्रीम इज एन अनपॉपुलर आइटम, बिल्कुल अब ये अनपॉपुलर आइटम नहीं है, ये भाई पॉपुलर आइटम हो गया है, इसलिए आइसक्रीम स्टोर ओनर्स को ये चीज़ रखनी चाहिए और अब वो ये बात सोचते हैं कि हाँ भाई ये अनपॉपुलर नहीं है जैसे पास्ट में थी, अब ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, बस सिंपल इस वजह से। सी ऑप्शन है। डी को देखो, डी क्या कह रहा है, लो फैट आइसक्रीम इज मोर पॉपुलर देन अदर काइंड ऑफ आइसक्रीम, पूरे पैराग्राफ में कहीं पर लिखा हुआ है कि फैट आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा कम पॉपुलर हो गई है, लो फैट ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, फैट आइसक्रीम का तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ, सिर्फ ये बोला हुआ था कि भाई वो सारी कैटेगरीज के अंदर बड़ी मशहूर होगी है और वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी है, लेकिन वो फलानी आइसक्रीम से या फलानी कैटेगरी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बात लिखी भी नहीं है। तो बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन बस वही वाली बात है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रट्टा मारना है, ये लिखा हुआ है रेयरली लिखा हुआ है, इधर मोर पॉपुलर लिखा हुआ है, इन दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हैं। सर ने किसी वीडियो में बोला होगा कि भाई ज़रा लुक फॉर द कंट्रास्ट, रटेडा कहानी खत्म। दिस इज नॉट हाउ लॉजिकल रीजनिंग इज डन। आई होप दिस वीडियो सर्व्स एज अ लेसन। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।